साथियों काम तथा समय, ये काम वर्क एंड टाइम इस चैप्टर से हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता रहा चाहे कोई परीक्षा हो, तो इस तरह इसमें फोकस करना है। और परंपरागत तरीके बहुत ज्यादा ट्रिक रटने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ऐसे ही ट्रिक बतलाया जाएगा जिससे आपको कम समय में अधिक सवाल लग जाए। और परंपरागत तरीके का भी प्रयोग करना होगा। देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसमें तमाम ट्रिक बताया जाता है। लेकिन इसको परंपरागत से ही देख लीजिए, यहाँ पर मैं आधा इसको मोड़ देता हूँ। और अब देखिए, जैसे कोई काम जो है एक अगर हम मान लीजिए 20 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/12। इस तरह से कभी कभी अगर लिखना हो कि भाई एक दिन में हमारा 1/12 है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 1/12 लिख करके यहाँ पर 1/12 लिख करके गुणे 3 कर दीजिए। काटना हो कट रहा है तो 3 चौके हो जाता है आपका 1/4। तो कभी भी जब ऐसे सवाल आए तो इस पर सोच रहा। लेकिन अभी हमारा जो सवाल है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पर समझे कैसे, एक 20 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। दूसरा बी जो है उसको 30 दिन में कर सकता है, उसका एक दिन का काम हो गया 1/30। ये दोनों मिलके कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस हो गया, दोनों मिलके कर रहे हैं दोनों उस कार्य को, तो दोनों मिलकर करेंगे तो ये जुड़ गया। अब देखिए आप यहाँ पर 30 और 20 इसका लघुत्तम 60 होता है, और जिन साथियों को लघुत्तम नहीं मालूम है लघुत्तम निकाल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिखा 30 और 20 लिख लीजिए, काटना शुरू करिए। अभी देखिए 5 से कट जाएगा, तो ये 5 6 30 हो गया और यहाँ पर 5 6 20 हो गया। अब ये देखिए फिर 2 से कट सकता है, 2 3 6 हो गया और 2 2 4, अब क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए केवल, 5 2 10, 10 3 30 60, और जिनको आता है वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, 60 हो गया। तो यहाँ पर 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें 30 में, तो 60 में तो 3 बार जाएगा, 20 3 60 ऊपर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब 30 2 60 होगा, उस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 3 2 5/60। 3 2 5/60 होते ही आप देखें इसको काटिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 5 और 5 5 ये हो गया 1/12। जहां सवाल 1/12 आ गया, ये दोनों का एक दिन का काम 1/12 है, इसलिए पूरा काम यही पलट जाता है। 1/1/12 करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा, इसलिए जैसे ही उत्तर आ जाए पलटने की जरूरत नहीं है, इसको तुरंत उत्तर इसका निकलना है। उत्तर निकल गया कि ये 12 दिन इसका पलट करके समझ लेंगे, 12 दिन जैसे 1/12 आ गया दोनों का मिल करके एक दिन का काम, अर्थात पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन। अब इसमें देखिए किस विकल्प में है, 12 ये विकल्प बी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें परंपरागत से भी बहुत जल्दी लगा सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों उस कार्य को एक साथ करें तो 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, ये सवाल का। अब देखिए नमूना, पहले दोनों का एक दिन का आप निकाल लीजिए, इस सवाल का यहाँ पर किया जा रहा है, 1/20 एक आदमी कर रहा है, तो यानी कि अगर वो 20 दिन में पूरा कर लेता है तो उसका एक दिन का काम हुआ 1/20। इस तरह से दूसरा 40 दिन में काम पूरा कर लेता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/40। और दोनों को जोड़ना है क्योंकि दोनों मिलकर दोनों एक साथ काम करें, कर रहे हैं एक साथ, माने प्लस करना होगा, एक साथ काम कर रहे हैं, कितने दिन तक काम किया, 3 दिनों तक। तो ये जो आपका उत्तर ये हो रहा है, ये दोनों का एक दिन का काम हुआ, जब दोनों का एक दिन का काम है तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, इसलिए गुणे 3 हो जाएगा, बस इतना ही करना है। 5 दिन का हो गुणे 5 हो जाएगा, 7 दिन का हो 4 दिन का हो 8 दिन का जो भी गुणे उतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करें, बराबर अब ये पहले अंदर कहां कर लिया जाए कोष्टक के अंदर, 20 और 40 का लघुत्तम 40 ही होगा, तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 2 40 और ये 2 1 2 हो गया, फिर 40 से भाग देंगे तो 1 बार 40 40 हो जाएगा, ये कोष्टक के अंदर इतना हल हो गया और यहाँ गुणे 3 चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 3 2 1 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 3/40 और यहाँ भी गुणे ये जो 3 है। अब इतने का मान क्या आ जाएगा, ये 3 जो है ऊपर वाले गुणा होगा 3 3 9 9/40, यानी 9/40 देखिए किस विकल्प में है, 9/40 आपके ये सी विकल्प में है, यही उत्तर होगा, 3 दिन में इतना काम कर लेंगे। अब देखिए अगला सवाल है, राहुल किसी कार्य को 15 दिन में और अमित उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो कितना कार्य शेष रह जाएगा। तो यहां पर यही समझ इसी तरह का सवाल लगेगा कि एक दिन का काम 1/15 होगा एक का, और अमित का एक दिन का काम होगा 1/20, तो दोनों का जोड़ लेंगे 1/ अब आप देखें यहाँ पर जगह कम है, फिर भी लाल से लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे, 1/15 लिख लीजिए एक का, दूसरे का ये राहुल का हो गया और अब अमित का भी हो गया 1/20, ये लिख लिया गया। ये
साथ में कितने दिन काम कर रहे हैं, ये दोनों जो साथ में 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो यहां पर गुणे 5 कर देंगे बस। अब लेकिन ब्रैकेट का नियम है, पहले इसको हल कर लिया जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो लास्ट में आपका हो जाएगा 15 और 20 का लघुत्तम 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 हो जाने के बाद यहाँ पर 15 चौका 60 यहाँ 4 हो जाएगा और 20 या 60 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा, और ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ और यहाँ गुणे 5 यहाँ पर लास्ट में 5 रहेगा, तो ऊपर कितना हो गया यहाँ पर 7/60 और गुणे यहाँ 5, 5 से काटेंगे 5 रही है 12/60, तो ये इतना आपका उत्तर आ रहा 7/12, यानी 7/12 जो है कार्य कर चुके हैं 5 दिन में दोनों। कितना काम करते हैं 5 दिन का काम, 1/15 / 1/20 गुणे 5, ये जो रिजल्ट निकलेगा ये पूरा 5 दिन का उनका काम निकल गया। तो 5 दिन का काम निकलते हुए हल करते हुए हम लोग चले गए 7/12, अगर 5 से कर गया तो 7/12 अगर उनका काम 5 दिन का आ गया तो शेष कार्य पूछा है, इसमें पूछा क्या है, इसमें शेष पूछा है, तो शेष कितना रह जाएगा। अब देखिए यहां पर समझ लिया जाए, यहीं पर समझ लेते हैं, यहां पर जब 7/12 काम हो चुका है तो कितना और मिला दिया जाए इस 7 के साथ कि 12 हो जाए, तो देखिए इसका सीधा उत्तर हो गया 5/12, क्योंकि आपको मालूम होगा 1 से घटाने का नियम है, 1 ऋण 7/12 करने का नियम है ना, लेकिन ऐसा भी चलने की जरूरत नहीं, इसमें देखिए डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस ले लीजिए, अंश है 7/12 है, इसका डिफरेंस कितना हुआ 5, तो वही 5/12 जो उत्तर होगा यही हमारा उत्तर हो जाएगा 5/12 यहाँ पर उत्तर, और शेष कार जब भी करें यहाँ पर 7/12 कार हो गया है तो शेष कितना बचा 5/12, ये कैसे निकलेगा जल्दी से, यहाँ देखिए 12 तो नीचे रहेगा ऊपर 7 है, इस 12 और 7 का डिफरेंस कितना निकला 5, वही 5/12 हो जाएगा, चाहे 1 में से 7/12 घटा के देखें तो भी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, अशोक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और सुरेश उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, दोनों ने कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद, दोनों ने 3 दिन तक कार्य किया और 3 दिन बाद अशोक कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को पूरा करने में सुरेश को कितने दिन लगे। यहां पर एक चीज छिपा हुआ है, अगर वो 3 दिन बाद जो है अशोक कार्य छोड़कर चला गया, इसका मतलब ये निकला जहां लाल शहर से हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा के घेर के लिखा हुआ है उसके अंदर छिपी हुई बात को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, अगर कार आरंभ होने के 3 दिन बाद अशोक छोड़कर चला गया, इसका मतलब कार जब वो छोड़कर नहीं गया था तो यानी 3 दिन हुए और वो 3 दिन में दोनों ने साथ काम किया, तो पहले ज्ञात करना होगा कि 3 दिन में दोनों ने साथ में कितना काम कर लिया, तो जब ये ज्ञात हो जाएगा तो हम ज्ञात कर लेंगे कि शेष काम कितना आप जो है इसको करना पड़ेगा सुरेश को अकेले, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 दिन बाद कोई काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब 3 दिन तक साथ में काम किया, तो 3 दिन के साथ का काम का निकाल लिया जाए, तो देखिए दोस्तों पहले का है 1/30, ये अशोक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, इसका मतलब उसका 1 दिन का काम हुआ 1/30, दूसरा भी मिल के काम किया था सुरेश ने प्लस सुरेश 20 दिन में उस कार्य को कर सकता है, इसका मतलब 1 दिन का काम उसका हुआ 1/20। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे लघुत्तम लेकर के, तो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम 60 हो जाएगा, ये पिछले पहले सवाल में दिखाया गया है कैसे निकलेगा, और देखिए 30 × 60 होता है तो यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का इस 1 में गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2 ही होगा, अब 20 × 60 होता है उस 3 का जब इसमें गुणा करने जाएंगे और बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए तो 3 × 3 = 3, यानी क्या हो गया 5/60, 5/60 हो गया। अब ये कट भी जाएगा, किससे कट जाएगा भाई, ये देखिए कटेगा 1 दिन का काम निकालने के लिए, तो ये 5 × 5 और 5 ये आपका कटेगा 12, 12/60। अब ये आपका जो उत्तर आ रहा है ये आ रहा है पहले 1 दिन का दोनों का काम 1/12 और इन्होंने कितने दिन तक काम किया था साथ में 3 दिन, तो गुणे 3 कर दिया जाए, तो जैसे गुणे 3 करेंगे तो 3 × 3 और 3 × 12 यानी कितना काम हो गया 1/4 काम तीनों ने दोनों ने मिलकर के 3 दिन में 1/4 काम कर लिया है। अब 1/4 काम करते ही यहीं से शेष निकाल लीजिए, इतना तो हो गया है, अब शेष कैसे निकालेंगे इसके अंतर से, दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर तो 3 और यहाँ 3/4 यहाँ पर 4, इतना काम शेष बचा हुआ तुरंत निकाल लीजिए, क्योंकि 1 ऋण 1/4 करेंगे, 1 ऋण 1/4 करेंगे तो भी 3/4 आएगा, या अंश और हर का अंतर देख लीजिए कितना है 3 का, तो 3/4 काम हो गया वही शेष। अब ये जो 3/4 काम बचा हुआ है इसको अशोक को अकेले कर, अशोक छोड़ के चला गया है, इसको सुरेश को अकेले करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ 3 दिन बाद अशोक कार्य छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य को सुरेश कितने दिन में करेगा, सुरेश का पूछा जा रहा है कितने दिन में, तो देखिए इसका अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम चर्चा लगा रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा जो कार्य बचा हुआ उसको पहले लिख लिया, 3/4 बचा हुआ है ये हमने लिख लिया, इस कार्य को करना जो है सुरेश को, और सुरेश का 1 दिन का काम कितना है, देखिए सुरेश का 1 दिन का काम है 1/20,
यानी शुरू से 20 दिन में कर सकता था, दूसरा 1/20 एक दिन का काम हुआ, तो यानी पूरे काम में भाग दे दिया जाए सुरेश के 1/1 दिन के काम से, तो सुरेश का काम है 1/20, 3/4 कुल काम शेष बचा हुआ है भागा 1/20, और जैसे ही भागा को हम लोग हटाते हैं तो यह 3/4 तो पहले रहेगा, भागा को अगर बदल दिया जाए गुणे में तो ये जो बदल जाती है संख्या जब भागा में गुणे में, तो ये हो जाएगा 20 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 4 और 1/5 20, 4/5 20 हो गया, 5 3 15 यहाँ पर 15 उत्तर आ गया, 15 उत्तर आ गया। देखिए शेष काम को, यानी कि जो पहले 1/4 काम हो गया था, बचा था 3/4 कार, उस 3/4 कार को अब अशोक के निकल जाने के बाद सुरेश जो है 15 दिन में पूरा करेगा, 15 दिन पहले ही निकल में, ये उत्तर मार दीजिए, ये हो गया। अब सेम ऐसे ही सवाल है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके नीचे वाला सवाल 5वां दिया जा रहा है। अशोक और सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन में और 20 दिन में पूरा समाप्त कर सकते हैं, यानी अशोक पहले लिखा है उसका 30 दिन हो गया, सुरेश द्वारा लिखा है उसका 20 दिन हुआ, समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया किंतु 3 दिन बाद अशोक कार्य छोड़ करके चला गया, यहां तक कोई सवाल है? शेष कार्य सुरेश ने पूरा किया अकेले ही, यहां तो कोई सवाल है? अब आगे क्या पूछ रहा है, इस प्रकार पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा, यहां पूछा है पूरा कार्य कितना समाप्त होने में, तो पहले जो कार्य हुआ था 1/4, सवाल वही 1/4 कार्य कितने दिन में हुआ था, 1/4 कार्य आपका ये 3 दिन में हुआ था, कितने दिन में हुआ था, 1/4 कार्य जो है 3 दिन में हुआ था, तो अब यहां पर 15 दिन लग गए हैं, तो यहां पर देखना होगा कि यहां पर देखिए विकल्प में सेट किया जा रहा है ये 18 लिखा हुआ। अब देखिए दोबारा जो शेष कार्य बचता है इसमें सवाल लगाया गया, उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जा रहा, शेष कार्य को अशोक ने 15 दिन में किया, तो सॉरी शेष कार्य को सुरेश ने 15 दिन में किया, और पहले कितना काम हुआ था 1/4, 1/4 काम कितने दिन में हुआ था, 3 दिन साथ में काम करने के कारण, तो 3 दिन वो हो गया और ये जो 15 दिन यहां लगा जिसको सुरेश ने अकेले किया, तो इसके 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18, विकल्प ए के हिसाब से 18 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें यही देख रहा था, इसमें पूछा था लास्ट में कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, तो पहले 1/4 काम हुआ था 3 दिन में, वो 3 दिन वो जोड़ लीजिए, 3 दिन तो पहले लग गया था, बाकी अकेले जब करना पड़ा सुरेश को तो अकेले जो शेष काम सुरेश ने किया उसको उसको करने में 15 दिन लग गया, तो 15 दिन ये और पहले जो 3 दिन हुआ था वो टोटल मिला के पूरा काम पूरा हो गया, और टोटल समय कितना हो गया 3 × 15 = 18 दिन में। दोस्तों आपको कार्य तथा समय का भी चैप्टर मैं पूरा करूंगा, और ये चैप्टर पूरा होगा आपको कम समय में और जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम पढ़ाते हुए चलेंगे। और हमारा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं तो आप इसको लाइक करते रहिए, अधिक सामग्री आपको बराबर मिलती रहेगी। धन्यवाद।